अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन। आज हम सीखेंगे कि हम एडोब फोटोशॉप में होली आर्ट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए बगैर टाइम जाया कि अपना आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पिक्चर ले लेनी है जिसका आपने होली आर्ट करना है। मैंने ये पिक्चर ली है, अब मैं इसका एक कॉपी लूँगा और कॉपी के ऊपर अब मैं इसके काम करना स्टार्ट करूँगा। पहले मैंने ग्रिड लाइन्स ली है इसकी, मैं इसको पॉलीगॉन टूल लेना है आपने। पहले पॉलीगॉन टूल से आपने पॉलीगॉन लासो टूल लिया मैंने। अब मैं पॉलीगॉन लासो टूल से इसकी सिलेक्शन करना शुरू करूँगा आहिस्ता आहिस्ता। याद रहे कि सिलेक्शन सेम कलर की होनी चाहिए जहाँ भी आप कर रहे हैं, नहीं तो आपके कलर ख़राब हो जाएंगे। अब फिल्टर में जाने के बाद मैं ब्लर में जाऊंगा, ब्लर से जाके मैं एवरेज कर लूँगा तो जो कलर मेरा एवरेज है वही आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप, आपको नज़र आ रहा होगा कलर। अब ये मैं एक और सिलेक्शन लूँगा इसी तरह, और इसको मैं सेम तरीके से कर दूँगा दोबारा। दोबारा मैं फिल्टर में जा कर इसको एवरेज करूँगा और ये सिलेक्शन होंगी मेरी यहाँ। कमांड डी आपने सिलेक्शन करने के बाद जब आप उसको एवरेज फिल्टर्स में जाके एवरेज करेंगे तो आपने कमांड डी, और अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल डी कर देना है ताकि आपकी सिलेक्शन रिमूव हो जाए। अभी मैं दोबारा सिलेक्ट करूँगा इसको, और ये मैंने सिलेक्ट किया। इसकी शॉर्ट की भी है, आप शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं एवरेज के लिए, कमांड प्लस आल्ट प्लस एफ। अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं, ये मैंने मैक वालों को बताया है, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आप कंट्रोल आल्ट और एफ दबा के शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं। मैं शॉर्ट की नहीं यूज़ कर रहा था कि आप लोग को, मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड तेज़ करूँगा क्योंकि काम थोड़ा सा, ये प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, अगर मैं इसको पूरा दिखाऊँगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो को मैं तेज़ कर देता हूँ। अब हम आ गए आइस के ऊपर। आइस का मैंने आपको पहले जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने कलर सेम रखना है सिलेक्शन करते हुए, अगर आप डिफरेंट कलर्स रखेंगे तो वो आपकी कलर्स आपके सही नहीं आएंगे। अब हम जैसे देख रहे हैं, मैं इसके कलर्स सेपरेट रखता हूँ तो आइस बिल्कुल साफ नज़र आ रही है।
आर्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम इसकी ग्रिड लाइन चॉक कर देते हैं। ग्रिड लाइन हो सकता है आपको मैंने जो अप्लाई की हो वो सही तरह नज़र नहीं आ रही हो, तो ये हमारा बिफोर आफ्टर। सो दैट इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। उम्मीद है आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।